हाय, मैं हूँ शर्मिष्ठा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वैलेंटाइंस डे और बंगाली वैलेंटाइंस डे यानी सरस्वती पूजा का व्लॉग। सुबह सुबह उठ के मुझे फ्लावर्स मिल गए। मैंने लैपटॉप मंगवाया था मेरे पति से और वो फ्लावर्स लेके आ गए। हर साल वो देता तो है बट इस साल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी सारे डेज। फिर नीचे जाते ही मैंने देखा हमारे कुछ पैकेज आए हैं, उसमें से ये वाला जो संबित का शू है न्यू बैलेंस का, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो जो ट्यूलिप का गुलदस्ता था वो मैंने कहा कि अमाया को दे दे ताकि वो भी हैप्पी हो। लंच बना के मैंने अमाया को खिला दिया और फिर मैं यहाँ पर रेडी होने लगी थी सरस्वती पूजा में जाने के लिए और संबित ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी। उसके बाद हम लोग निकल गए सरस्वती पूजा के लिए। संबित अभी नहीं आया, वो बाद में हमें ज्वाइन करेगा क्योंकि उसके कुछ मीटिंग्स बाकी थे। उबर ने हमें जहाँ पे छोड़ा था उससे काफी दूर था वो जगह, फाइनली हमें वो मिल गई। इस बार का सरस्वती पूजा हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार हम अमाया का हाथी कोड़ी देने वाले। ट्रेडिशनली बंगाली में जब एक बच्चा लिखने की उम्र का हो जाता है उसको स्कूल में भर्ती करने से पहले हमें एक सिलेट में पेंसिल से लिखना होता है भगवान जी के सामने और मंत्र बोलना होता है। यहाँ पे सिलेट नहीं था तो हमने पेन और पेपर से ही अमाया का हाथी कोड़ी दे दिया। फिर हमने अंजलि ली, प्रसाद खाया, उसके बाद ये बंगाली धामाइल बोलते हैं। ये आप लोग मेरा आउटफिट भी एक बार चेक कर लो। और अमाया खेल ही रही थी, कूद ही रही थी और डांस कर रही थी नॉन स्टॉप। और उसके बाद हम लोगों ने खाया प्रसाद, उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस।